अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इल्म का रास्ता के चैनल में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो और जॉब की अपडेट्स मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी शहीद बेनज़ीराबाद भुट्टो यूनिवर्सिटी यानी जो शहीद बेनज़ीराबाद में है वहाँ पर वैकेंसीज के अनाउंसमेंट की गई हैं। इसमें सिंध डोमिसाइल होल्डर जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनका सिंध का डोमिसाइल हो उनको करना क्या होगा, उनको अपनी जो अटेस्ट को फोटो कापीज है ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कापीज और डिमांड ड्राफ्ट यानी 5000 रुपीज़ का जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके साथ आपको जो इनके डायरेक्टर फाइनेंस शहीद बेनज़ीराबाद भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद एड्रेस लिखा हुआ है आपको यहाँ भिजवानी पड़ेगी। जो इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 15 सितंबर 2023। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जिनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप इनका डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है www.svbuspa.edu.pks है, वहाँ से आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म ईजिली मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, फिजिकल केमिस्ट्री या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन जो हैं वो PhD मांगी हैं। रेलिवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है, 15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, रिसर्च एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। या फिर आपका 10 साल का PhD टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट दी गई है। नंबर 2 पर आएंगे एसोसिएट प्रोफेसर, PPS 20 है ये एसोसिएट प्रोफेसर, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए रिक्वायर्ड है, IT के लिए रिक्वायर्ड है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के लिए रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है, जेनेटिक्स बायोफार्मेटिक्स के लिए रिक्वायर्ड है, बॉटनी जूलॉजी एजुकेशन इकनॉमिक्स और इस्लामिक स्टडीज़, इन जगहों के लिए इनको ये रिक्वायर्ड हैं, इन सब्जेक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन आपकी PhD होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपका 10 ईयर्स आपका टीचिंग है और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो PhD का और पोस्ट ग्रेजुएट आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से किया हुआ हो। नंबर 3 पे जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर है BPS 19 के लिए, इसमें आपका IT के लिए मांगा गया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के लिए मांगा गया है, सिंधी और इस्लामिक कल्चर के लिए इन सब्जेक्ट के लिए मांगा गया है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन PhD होनी चाहिए और इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे चीज़ मेंशन की गई है कैनेडियन जो अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उन्हें अपनी 3-3 कॉपीज CV की या बायोडाटा की और रिसर्च पेपर और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इनको भिजवाने पड़ेंगे प्लस डिमांड ड्राफ्ट के साथ। और जो इसमें जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें या NOC जो भी NOC लेते हैं उसके थ्रू अप्लाई करें। जिसमें जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। सेकेंडली, जो लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसमें उनको अपनी अलग एप्लीकेशन बनाना पड़ेगी और उसके लिए सेपरेट बैंक डिमांड ड्राफ्ट सबमिट होगा, यानी हर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी अलग होगा और डिमांड ड्राफ्ट भी अलग होगा और कॉपीज भी अलग अलग होंगी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगी। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।